वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आप थोड़ी डाइट के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से हम बात कर लेते हैं। और रोज जवेरिया हमें सुबह सुबह बताती हैं कैसी डाइट होनी चाहिए, ये खाना है वो खाना है, लेकिन आज हमने सोचा हम जवेरिया को सेट पर ही बुला लेते हैं और जवेरिया से बात करते हैं चेस्ट कंडीशन पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, एल्डो जो एज के लोग होते हैं उनको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जवेरिया वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एमिला, आई एम फाइन, आपके सीन के लिए बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। अच्छा जवेरिया, हम चेस्ट कंडीशन की बात करते हैं और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डेफिनेटली होंगे, किन लोगों में ये ज़्यादा होती है, किस एज ग्रुप में, इससे हम आगाज़ करेंगे। जी यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ, कुछ इस तरह से है अर्मिला, जो कि बहुत अर्ली एज है या फिर उसके बाद जो 70-60 ईयर्स ओल्ड एडल्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा चेस्ट कंजेशन के चांसेस उनको होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में इसकी 67% रेशो उन लोगों की है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी सांस की बीमारियाँ उन लोगों को ज़्यादा जो कि स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडली जो पॉल्यूशन है, जो कि हम अक्सर इनहेल कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि ये नॉइस पॉल्यूशन है, इधर के ये मतलब एयर पोल्यूशन है, जो भी चीज़ हम इनहेल कर रहे हैं बैक्टीरियाज हमारे अंदर जा रहे हैं और वो चीज़ भी हमारी सांस की बीमारियों का बायस बनते हैं। और इसी के साथ जो इंटरलिंक्ड है आपके जो चेस्ट है उसके मसाइल हैं। छोटे बेबीज़ की अगर बात की जाती है तो छोटे बेबीज़ जो क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम 3 से 5 साल के बच्चे या उससे भी छोटे, जब उनको बिल्कुल क्लियर फ्लूड दिया जाता है या बगैर नीम गर्म किए दिया जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं चेस्ट कंजेशन के, जिसमें फिर हमारे पास डिफरेंट नेचुरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बच्चों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी, जिनमें एक नंबर पे नॉर्मली और बड़ा एंशियंट टाइम से यूज़ किया जाता है शहद और सुहागा। पर अगर आप केला जो होता है बनाना पील लें और उसको आप बिल्कुल ऐश कर लें यानी राख कर लें किसी स्टेनलेस स्टील पर और 1 टीस्पून लेके उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करें, अगर हनी एलर्जिक है तो आप उस बिल्कुल हनी ऐड ना कीजिए, कुछ लोग एलर्जिक बहुत लोग होते हैं, अब क्योंकि आप देखिए वो बॉडी इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल अक्सर चीज़ें कंज्यूम करी होती है कि हमारी बॉडी किसी ना किसी नेचुरल इन्ग्रीडियंट को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा मटन बोन ब्रोथ हो गया, मतलब मटन की हड्डी की यखनी हो गई या डिफरेंट फिश सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, ज़रूरी नहीं आप सूप में स्टार्च यानी कॉर्न स्टार्च इस तरह की चीज़ें ऐड करें, सिंपल प्लेन जो ब्रॉथ होता है यखनी होती है वो भी आप ले सकते हैं। दूसरा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और चेस्ट क्लियर के लिए ज़रूरी है कि सेमी सॉलिड डाइट लें। सेमी सॉलिड डाइट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बहुत थिक और हैवी कंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हो, जैसे कि योगर्ट हो गई या फिर सीरियल ग्रुप हो गया जैसे दलिया वगैरह हो जाता है, ऑटमील हो गया या बार्ले है, वीट, राई एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। अब थिंग्स आर लाइक दिस कि आपको पता होना चाहिए कि जिस एज का बच्चा है या फिर जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, क्योंकि ये दोनों वो एजेस हैं जहाँ पे खुराक थोड़ी और क्लीन फूड और हेल्दी ईटिंग जो कंसेप्ट है वो यूज़ होता है, और ओल्डर एडल्ट्स क्योंकि वो इतना खाना कंज्यूम नहीं कर सकते और जितना उन्होंने खाना होता है वो फाइब्रस होना चाहिए और कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि चाहे वो सीजनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी उनके पर्सनल इश्यूज हैं या ब्लड में होने वाली डिफरेंट चेंजेस हैं, तो उसको जो उनकी चेस्ट के साथ जो इंटरलिंक्ड हो वो क्लियर फूड होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, समटाइम्स बच्चों में बहुत ज्यादा, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि छोटे बच्चों में होता है और पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता, नेबलाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे की कंडीशन ठीक कैसे होगी, क्योंकि आप उसको वो ज्यादा चीजें भी नहीं दे सकते क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है या कुछ मंथ्स का है, तो उनके लिए क्या टिप्स है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अमिला, पाकिस्तान में कंसेप्ट नहीं है टेस्ट का, यानी फूड इंटॉलरेंस टेस्ट, बच्चों को अक्सर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या फिर ग्लूकोज इंटॉलरेंस, यानी कुछ बच्चे जो दूध को या मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स को इवन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इक्वली अगर हमें हर तरह के लोग सुन रहे होंगे इस टाइम, उनके लिए यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे को ये देखें कि उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, पैदा होते ही उसका जो लिवर फंक्शन टेस्ट है या उसके अलावा उसका जो CBC है ब्लड टेस्ट है, कहीं वो एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है और उसके बाद कोई ना कोई न्यूट्रिएंट आपको एलर्जिक कर जाता है, रिएक्शन करता है आपकी बॉडी के साथ। बच्चे हमेशा वहाँ पे जहाँ पे इंडाइजेशन की उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कुछ भी पेरेंट्स उनको दे रहे होते हैं तो दे कैन मतलब वॉमिट कर देते हैं या उसके अलावा डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो इससे होता क्या है कि जो आप जो बच्चे के नॉर्मली हेल्थ गोल्स हैं या ईटिंग गोल्स हैं उस तक आप नहीं पहुँचते, जहाँ पे डेफिशिएंसीज भी वहीं रह जाती हैं और बीमारियाँ भी प्रॉनअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, डाइट समटाइम्स हम कुछ ऐसी भी ले रहे होते हैं, कुछ चीज़ों का ऐसा भी इस्तेमाल होता है जिससे भी जैसे कंजेशन हो जाती है, लेकिन हम लोग एट द एंड उन चीज़ों को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहे, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होंगी ना जिनको हम माइनस करें या अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए कुछ चीज़ें तो मतलब सम फूड्स आर देयर जो कि देयर आर दी लिस्ट के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं,
और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करती हैं, जिसमें हमारे पास नंबर वन जिंजर आ जाता है। छोटे बिल्कुल बच्चों को तो हम उस तरह से जिंजर गार्लिक नहीं दे सकते, पर यह कि अगर आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या उसके अलावा मोलेसेस हो गया या साबूदाने की खीर हो गई, फिर उसके अलावा थोड़ा सा कवार गंदर या जेलिश चीज़ में थोड़ा बहुत उसका एक्सट्रैक्ट ऐड कर दें, इवन ड्रॉप्स ऐड कर दें। असेंशियल ऑयल्स, ओमेगा 3, असेंशियल सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड एक्सट्रैक्ट होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब उनकी तरफ जाते हैं तो आप ये देखें कि आप उससे हेल्थ गोल्स अचीव करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, चूंकि हम जस्टिफिकेशन की बात करें, जैसे आप बच्चों के हवाले से बता रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी नहीं ठीक होती है। बिल्कुल, उन डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी बहुत सारे दीगर मसाइल, क्योंकि फिर ये अपने साथ एक बीमारी नहीं दीगर कई प्रॉब्लम्स भी लेकर आते हैं। जी, जैसे कि आप देखें जंक फूड का बढ़ता हुआ रुझान है, और हर दूसरा इंसान जो बाहर की तली हुई चीज़ें हैं वो आपका सांस खींच के आता है, आपको शॉर्ट ब्रेदिंग हो जाती है, यानी कि ना सिर्फ बच्चों में है, बड़ों में भी है और ओल्डर एडल्ट्स में, क्योंकि जब भी आप बाहर का तला हो, क्योंकि वो ऑयल नहीं चेंज करते और ऑयल में आफ्टर 24 आवर्स रेंसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें कार्सिनोजेनिक सेल्स डिवेलप होते हैं जो कि ना सिर्फ कैंसर जनरेटिंग है बल्कि आपको सांस के मसाइल भी करते हैं। और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली थोड़ा सा चलने से या स्टेयर्स क्लाइंबिंग की है, इवन बच्चों को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ये देखें दिस इज़ नॉट अ हेल्दी ईटिंग थिंग कि आप एक डील ले रहे हैं और डील के साथ आप कार्बोनेटेड ड्रिंक का कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ नीम गर्म पानी लेंगे तो चलो शायद आपका कोई ना कोई फैट या जो कोई अनवांटेड फैट्स हैं वो आपके डिजॉल्व आउट होंगे, या फिर आपके वो एडिपोज टिश्यू स्टोरेज नहीं होगी उस तरह से। पर नंबर वन जहाँ पे चाइल्ड ओबेसिटी हो गई या फिर चेस्ट प्रॉब्लम्स हो गए, इनडाइजेशन यानी आपका निज़ाम हाजमा मतलब पुअर डाइजेशन सिस्टम हुआ, स्टमिक इश्यूज़ हैं, ये तमाम चीज़ें इन इम्प्रॉपर डाइट, फिज़िकल इनएक्टिविटी यानी आप फिज़िकली लाइफ में एक्टिव नहीं होते, ठीक है आपने एक टाइम कंज्यूम कर लिया पर सेकंड टाइम यू हैव टू बर्न इट, पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कैलोरी काउंट जो है उसको कंट्रोल आउट करना होता है, मोर स्पेसिफिकली बाहर के खानों में, क्योंकि हमें नहीं पता होता किस ऑयल या घी में बने हुए हैं और उसका हमें नहीं स्पेसिफिकेशन नहीं, हाइजेनिक कंडीशंस का अक्सर नहीं पता होता, फूड बॉर्न इलनेस का और डाइजेशन और साथ ही साथ जो आपके सांस के मसाइल हैं इनका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी खुराक से होता है। जी, और अच्छा आपने भी कहा कुछ लोग बाय बर्थ या बच्चों में वो जो इनटॉलरेंस होती है किसी भी डाइट को लेके, कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो भी जो बच्चों को या किसी को भी एलर्जिक हो सकती है, जैसे हम शहद की बात कर रहे थे उसके अलावा? अर्मिला, बेसिकली जो मदर हेल्थ है ना, दिस इज़ अ नेशन बिल्डर थिंग। यहाँ पे चाहे वो पसमानदा इलाके की खातून हो, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, तमाम खवातीन को अपना कैल्शियम लेवल जो है, आयरन लेवल है, इसको चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपने आफ्टर बर्थ है या बिफोर गेटिंग मैरिड द थिंग्स है, आपको इसको प्रॉपर चेक करना है, बिकॉज सम टाइम यू हैव टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड और समथिंग लाइक दिस। अच्छा, जो डेफिशिएंसी आपके अंदर रह जाती है वो बेबीज़ में ऑटोमेटिकली आती है, या फिर जो आपका फूड होती है, जो आपकी डाइट होती है, क्योंकि हम लोग वी आर 95-100% डिपेंडेंट ऑन द डाइट इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंटेशन एंड अदर थिंग। पर आप देखिए जब आपकी खुराक जो होती है वो एक ऐसा लाजमी जुज़ है और कॉम्पोनेंट है जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ करता है, हार्ट, लिवर, ब्रेन, किडनी और हर चीज़ को। अच्छा, उसी तरह बेबी की भी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चे में जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो अक्सर औकात मदर में भी वो चीज़ें देखी जाती हैं, बड़ी कॉमन होती हैं। और एक बेबी अगर उसका लिवर नहीं ठीक है, उसको किडनी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ भी पैदा होते ही उसको कोई भी इंटॉलरेंसेज है, या आपको लगता है कि वो ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फ्रुक्टोज यानी फ्रूट शुगर जितने फ्रूट्स हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को फर्स्ट 10 ईयर्स से जब आप हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मिकदार में भी दें, इतना कि वो उसको आप देखें कि यू हैव टू चेक दिस, और मोस्ट प्रोबेबली गो विद द टेस्ट, बायोकेमिकल मेडिकल टेस्ट, डाइटरी हिस्ट्री, ये पिछले 24 आवर में खुद ही रिकॉल मेथड बनाए कि इसने हर 2 आवर्स के बाद क्या किया। इंटरप्ट करूंगी, मिसेस जुनैद हमारे साथ हैं, दोबारा से कॉल लिया उनकी। जी मिसेस जुनैद, क्या कह रही थी आप? जी मैं ये कह रही थी कि मेरी बेटी है, शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, तो उसका जो है वो हेल्थ, उसका वेट का प्रॉब्लम है, और वो डे बाय डे शी इज गेटिंग गेनिंग वेट वो, जी जो स्पेशली उसकी जो कमी है ना, दैट बिकमिंग लाइक, क्या वजह है मिसेस जुनैद? अब क्या जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा है या आपने? जंक फूड ये है कि वंस इन अ वीक तो होता है उसका, मतलब आई वुडंट लाई, लेकिन ये है कि नॉर्मली दिन में वही एक दफा का जो उसने लंच लेके जाना है स्कूल वो खाती है, या उसके अलावा घर आके
मतलब ओवर ईटिंग नहीं करती लेकिन उसका वेट फिर भी बढ़ा है जी। और स्पेशली अभी जो स्पेशली एक चीज मैंने नोट की है कि उसकी नेक की बैक साइड पे एक हम्प सा बनना शुरू हो गया है, तो वो मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि अदर आई शुड गो फॉर सम टेस्ट और समथिंग या ठीक क्या हो गया। मिसेस ने अभी आपको पूछते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जुबेरिया। वो कह रही बच्ची जो इनकी 11 साल की बहुत गेन, आप ये देखिए जब भी आपका वेट गेन होता है तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज होती है। एक तो इनके लिए ये है कि जो इनकी बेटी है उसको ये मटर जो सिंपल होते हैं पीस जो होते हैं उसको तकरीबन 1 कप उसको डेली दें 11 डेज तक बगैर बिला झिझक उसको डिफरेंट उसमें फ्रूट्स में ऐड कर दें, डिफरेंट सैलड्स में ऐड कर दें। कि आप ये देखिए बच्चे आजकल वेजिटेबल्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं है एंड दे डोंट लाइक इट एट ऑल, वो पेरेंट्स को भी इवन क्लियरली बोलते हैं। दूसरा चीज़ ये कि जितना पेरेंट्स बच्चों को कमर्शलाइज करेंगे, मीन टू से दैट कमर्शियल चीज़ों पर जितना बेस्ड ऑन होंगे जैसे नगेट्स और ऑल बहुत सी चीज़ें, उतना बच्चा बिल्कुल कमर्शियल उसकी बॉडी होती जाएगी। तो बेहतर है घर का खाना सबसे बेहतर है। दूसरा चाइल्ड ओबेसिटी की नंबर वन जो वजह है वो स्टॉप ईटिंग वाइट शुगर्स, जो सफ़ेद चीनी मतलब जिसको बोलते हैं सफ़ेद जो आटा है जिसमें हमारे पास फ्लावर आ जाता है या तमाम मैदे की या बेकरी आइटम्स कुछ होती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और फिजी ड्रिंक्स हैं डब्बे वाले जूस हैं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ 3 से 4 चीज़ों के बेस पर बनी होती हैं जिसमें नंबर वन पे आपके पास कलरेंट होता है आर्टिफिशियल कलर स्वीटनर, उसके बाद स्वीटनर के बाद जस्ट इट्स लाइक अ स्वीट टेस्ट सॉल्ट स्टेबलाइजर एंड अदर प्रिजर्वेटिव्स। अब कभी कभी ये भी नहीं पता चलता कि जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं अगर वो नेचुरल तरीके से नमक या चीनी के साथ की गई हो तो फिर भी फाइन है, पर अगर वो बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से तो आपको वेट गेन करते हैं। ठीक हो गया। जंक फूड का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल है वो भी बहुत सारी चीजों की तरफ, चाहे वो एल्डर्स हैं चाहे वो बच्चे हैं, तो जंक फूड कितना अवॉइड होना चाहिए वो तो हर कोई कहता है होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम किस हद तक अवॉइड की जाए? मतलब यू कैन गो थ्रू विद द 15 डेज में एक बार आप ले सकते हैं, वो भी आप घर का बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप देखिए नंबर वन हमारा यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना अर्मिला वो ये है, घर पे तो फिर स्टोरेज कंडीशन का पता होता है कि चलो एक माह में गोश्त कंज्यूम हो गया, पर जो बाहर स्पेसिफिकली मिन्स मीट है जैसे शवारमा है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बर्गर्स या पैटीज में यूज़ की जाती हैं और हमें नहीं पता कि इसकी शेल्फ लाइफ क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल डेवलपमेंट और एक्टिविटी है। और अभी भी पाकिस्तानी कुछ यू कैन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है, टाइम नहीं लिखे जाते, इवन स्टोरेज टाइम भी बहुत कम जगहों पे मेंशन है कि आप किसी जगह से गोश्त या चीज़ उठा रहे हैं ले रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं। इवन आप देखें कराची में तो केसेस भी हो गए क्योंकि एक्सपायर्ड मीट लेने से डेथ वगैरह हो गई, और यहाँ पर सिचुएशन यह है कि आप क्रॉनिक इलनेस या फिर फूड बॉर्न इलनेस में एकदम से आ जाते हैं। पर देखें कि इस प्रैक्टिस को ही रोक देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपकी बॉडी में ऐसे जर्म्स डेवलप करे या माइक्रोबियल एक्टिविटी और फास्ट कर दे जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो डोंट गो थ्रू विद इट। और इवन आप जब भी बाहर मतलब ईटिंग आउट का कंसेप्ट ऐसा है कि आप हमेशा हड्डी वाले गोश्त की के मतलब कंज्यूम करें तो बेहतर है, क्योंकि कम से कम आपको पता होगा कि ये बड़ा गोश्त है या फिर मटन है बीफ है वील है या फिर चिकन है समथिंग लाइक दिस, तो इवन आपको पता होगा। पर जब भी आप जो कीमा है उसमें जाएंगे तो यू डोंट नो अबाउट इट कि किस चीज़ का, क्योंकि उसमें बाहर अक्सर औकात इतने ज़्यादा फ्लेवर्स और कलरेंट्स और इतना उसको हाईली स्पाइसी कर दिया जाता है कि वो जो उसका एक्चुअल जो मीट फ्लेवर होता है वो भी किसी साइड पर बिल्कुल पीछे रह जाता है। दूसरा ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो चाइल्ड पाकिस्तान इस टाइम 9th नंबर पर है जबकि US 3rd नंबर पर है चाइल्ड ओबेसिटी में, और जिसकी बड़ी वजह जंक फूड का रुझान और जो मतलब ट्रेंड टुवर्ड्स ऑफ जंक फूड स्पेशली इन द कॉलेजेस, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है, एक बच्चा खा रहा है तो 10 को बचाए इसके कि वो आप अपनी ईटिंग हैबिट डेवलप करें, आप अपने साथ क्योंकि पाकिस्तान रिच इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप तकरीबन 2 ऑरेंजेस कंज्यूम करें, ग्रेप फ्रूट लें, 1 एप्पल लें, 1 बनाना लें, इट्स अ इक्वल एंड वेरी परफेक्ट डाइट, आपको फाइबर भी जा रहे हैं शुगर्स भी जा रहे हैं। पर उसकी बजाय आप एक फैंसी फूड के चक्कर में आप अनहेल्दी फूड कंज्यूम करके यू आर मतलब ना सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ब्रेन पे इफेक्ट होता है, आपका ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है, आप उस तरह से ना आप अपने क्लासरूम्स में एक्टिव होते हैं ना अपनी लाइफ में एक्टिव होते हैं, और वैसे मतलब दिस लाइफ इज़ टू मोबाइल दीज डेज, एवरीथिंग इज़ लाइक विद द ब्रेन एंड द थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी एक्टिव और बिल्कुल मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहने का सबसे जो आसान और बेहतर तरीका वो है कि गो विद द अलॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आइदर आप उसको ड्राइड फॉर्म में लें, आप उसको मतलब किसी भी फॉर्म में आप उसको सैलड्स में लें, बीन्स इज़ टू गुड, आप अपने दिन मुख्तस कर लें, आप कुछ डेज जो है रेड बीन्स लें,
रेड बीन सैलेड ले लें आफ्टरनून में या रात के टाइम, शाम के टाइम ले सकते हैं, इट्स क्वाइट गुड. दूसरा योगर्ट का जरूर इस्तेमाल करें, इट मेड यू सो एक्टिव एंड पावरफुल, क्योंकि वो इट्स लाइक अ गुड ब्रेन फूड. एलमंड्स, एसेंशियल ऑयल्स, बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों उनको यूज़ करना चाहिए. दूसरी बात है, थोड़ा सा हमें ज़रूरत है कि आप ठीक है वंस इन अ वीक आप लाहौरी नाश्ता भी होते हैं, कभी कभी आप कंज्यूम कर लेते हैं, पर डेली नान चने और इस तरह की जो डाइट है वो आपको वो जो आपका बेसिकली आपकी बॉडी का, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता किन हाथों से ये इसको चर्न आउट किया जा रहा है या फिर किस तरह से कंज्यूम हो रहा है, और वहीं से बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है. अभी प्लेट से स्टार्ट होती है, आपके अंदर आती है. अगर गट माइक्रोफ्लोरा आपका स्ट्रांग नहीं है, इवन आप टेस्ट भी नहीं करवा रहे, क्योंकि बहुत से लोग तो अर्मिला ऐसे हैं क्योंकि वो आपके पास आते हैं कहते हैं दिल की बीमारी है या इस तरह या बच्चा हेल्दी है, उनको कोई दे नेवर गो विद द टेस्ट. इवन को पता भी नहीं होता कि कोई लिवर फंक्शन टेस्ट है, CBC है, यूरिन टेस्ट है, या इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो करवाना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस रिजल्ट तक पहुंचे कि कोई कुछ कुछ ऐसा है जो बॉडी में डेफिशिएंसी की वजह से मोटापा है, इसके अलावा कोई बीमारी है. ठीक है. अच्छा जवेरिया, अभी हमने ड्राई फ्रूट्स के हवाले से भी आप बता रही थी, क्या ये भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिन चीज़ों की तासीर गर्म हो वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं इस चीज़ में? जी, आप ये देखिए कि हमारे पास जैसे सैल्मन ट्यूना, पर इसमें अर्मिला थोड़ा सा ये भी डिपेंड करता है सोशो इकोनॉमिक लेवल, बिकॉज आप देखिए पाकिस्तान में हमारे पास हर तरह का सोशो इकोनॉमिक लेवल है, लो हाई मॉडरेट, बट वी आर सच अ ब्लेस्ड कंट्री कि हमारे पास हर वो चीज़ जो कि हमें हर्बल तरीके से मिलती है या फिर हमें पाउडर्ड फॉर्म में या सीड फॉर्म में, आप ये देखें कि एक स्पेसिफिक इन्ग्रीडियंट है, आप तकरीबन 1 teaspoon, मतलब तकरीबन 1 teaspoon ही आप इसको इक्वली आप बना लें अपने पास एक इन्ग्रीडियंट, ग्रेप सीड ले लें, यानी जो मुनक्का होता है या फिर उसको अंगूर का बीज होता है, उसके साथ आप कलवंजी ऐड करें, थोड़ा सा आप एलोवेरा लें, और इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द COPD, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सांस की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट लॉस जिनका प्रॉब्लम है, उसके अलावा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, कि यहाँ पे इतने फ्लू फीवर्स हैं, मतलब सीजनल, क्योंकि हम लोग वी आर इन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस, तो एकदम से जो वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस और इस तरह की डिफरेंट फीवर्स या कुछ भी चीज़ आती है, तो इसमें आपका बेसिकली आपका अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं बिल्कुल आपकी तरफ, आपको आपकी बॉडी उसको होस्ट ना करे तो इट्स क्वाइट बेटर. ठीक हो गया. हमारे साथ फातिमा है कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. मैम, उनसे पूछना चाह रही हूँ कि जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है बेसिकली ये किस वजह से होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको पूरा साल ये प्रॉब्लम चलती है, ना सिर्फ सर्दियों में, उन्हें गर्मियों में भी ये फेस करना पड़ता है, इसकी रीजंस क्या है और इसका सलूशन क्या हो सकता है? ठीक हो गया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फातिमा जी. बेसिकली ये एलर्जी होती है, साइनस एलर्जी होती है, साइनोसाइटिस इसको बोलते हैं. अक्सर औकात लोगों को पॉलन डस्ट एयर, मतलब किसी भी चीज से या ठंड से भी होती है बहुत गर्मी में, और इसके नंबर वन साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, तकरीबन 30-40 के करीब तो आती हैं, और इसमें सबसे पहले जो आपका नेजल ब्लॉकेज हो जाती है आपकी फुल, मतलब आपको फील होता है कि इट्स दिस पोर्शन इज़ टू हैवी, और जैसे कि अर्मिला हम कहते हैं ना कि आपका फेस इस तरह से होता है कि अगर आपको आपके फेस से पता चलता है कि यू आर द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हेयर एंड देयर एंड आई सर्कल्स में तो एनीमिक है, इस साइड पर तो है किडनी है, या इस साइड पर तो हार्मोनल इम्बेलेंस है, इसी तरह आपके फेस से जो आपका नोज है या जो स्नीजिंग है, कफिंग है, ये तमाम चीज़ें एलर्जी में आती हैं, साइनोसाइटिस. और साइनस एलर्जी के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू वेयर द मास्क ऑल द टाइम, क्योंकि किसी भी किस्म का एक भी डस्ट पार्टिकल जाएगा तो यू हैव टू स्टार्ट दिस. बट इसको सबसे इसका इंपॉर्टेंट है कि एक ऑयल बैनम, और यू कैन, मतलब देयर द एसेंशियल ऑयल्स फॉर दिस थिंग, क्योंकि आई हैव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ COPD पेशेंट्स, आई हैव प्रैक्टिस 2 years ऑन द 800 पेशेंट्स. मतलब मेरा यही होता था कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रेड या ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स का जूसेस उनको थे, सेलरी लेमन जूस ये लिख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है. सेलरी आप सेलरी की एक गति लें, उसके 3 हिस्से कर लें, ये ज़रूरी नहीं एक ही बार में आपने बनाना है, 3 हिस्से करके आप उसको जूसर में थोड़ा सा इसमें लेमन स्क्वीज करें, पानी डालें, उसका एक शेक बना के, उनके आप बाहर से कंज्यूम करेंगे आपको उस तरह से हाइजेनिकली भी नहीं मिलेगा, पर ये आपके साइनस को बेहतर, सांस को बेहतर करेगा, आपका जो आपका एलर्जिक मतलब चीज़ें हैं. और दूसरी बात है ये बड़ा अनहाइजेनिक हो जाता है, कई लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब दे आर टू मेनी गार्गल्स, और उनको स्पिटिंग करते हैं, और उनका जो मतलब टोटल उनके उस तरह से वो स्ट्रांग नहीं होते, तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरा हनी, ब्लैक पेपर, और उसके अलावा यू कैन से ऑयल, जो एलमंड ऑयल है 1 teaspoon, दिस इज़ टू गुड.
एलोवेरा जेल और यू कैन गो थ्रू विद द हर्बल, यू कैन से हर्बल थिंग्स, द मेडिकेटेड हर्बल थिंग्स जो आपके ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं जो आपके इवन किचन में मौजूद होते हैं वो बहुत हेल्प आउट करते हैं. सांस के लिए सिनेमम जो है दालचीनी का कहवा अच्छा है, हनी में लें तो भी बेहतर है, उसके बगैर लें तो भी ठीक है. और मोस्ट प्रोबेबली गो विद द ऑल द क्लियर ब्रॉथ सूप जिसमें बिल्कुल फैट कॉन्टेंट ना हो, क्योंकि जब भी आप एनिमल फैट लेंगे सांस खींच के आएगा, एलर्जी फॉरन आपको अटैक करेगी. दूसरा, ऐसे लोगों का स्टमिक बहुत सेंसिटिव होता है, उनको हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, तो उसमें स्टमिक सेंसिटिविटी के साथ साथ इसका बड़ा डायरेक्टली, क्योंकि योर हेड इज टोटली लिंक्ड विद योर गट एंड स्टमिक एंड ऑल द थिंग्स, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली नंबर वन पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कट डाउन ऑल स्पाइसेस, एसिडिक फूड. एसिडिक फूड में हमारे पास ऑरेंजेस और ग्रेप फ्रूट्स वगैरह भी, लेमन भी आ जाता है. उसके बाद आपने फुल इसको डायरेक्टली आपने कोई भी चीज कंज्यूम नहीं करनी, और हाईली फ्राइड फूड कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि जब भी कुछ भी ऐसा आप कंज्यूम करेंगे इट मेड योर स्टमिक हैवी एंड यू कांट इवन डाइजेस्ट प्रॉपरली एंड आफ्टर दैट यू आर स्नीजिंग एंड वीजिंग. जुवेरिया बहुत जबरदस्त बातें बताने के लिए जनाब, जुवेरिया ने आपको इतनी अच्छी टिप्स दे दी है. और डाइट से हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, चाहे प्रिवेंशन है वो भी डाइट के जरिए होती है, और वाकई लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, क्योंकि आज मंडे है, पूरा हफ्ता आपका हमारा साथ रहेगा. फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, वहाँ हमें फीडबैक दीजिएगा. और अगर आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा. हमारा यूट्यूब चैनल है जागो लाहौर का, लाहौर न्यूज़ का, वहाँ पर भी आप इसको इसके एपिसोड्स देख सकते हैं. कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़.